तो साथियों नमस्कार। आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल, और उससे पहले नैनीताल से लगभग 10 किलोमीटर पहले जॉलीकॉट से आगे चंदन सिंह बिष्ट जी हैं, जो मीट चावल का ढाबा चलाते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। पिछले 35-40 सालों से वो लोगों को खिला रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग खाने आते हैं। तो हमने सोचा कि उन्हें आपको भी उसको दिखाया जाए और आपको बताया जाए कि कैसा उसका टेस्ट है। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं चंदन सिंह के ढाबे पर। तो साथ ही हम लोग आ चुके हैं चंदन सिंह बिष्ट जी के ढाबे पर, और आप देख रहे हैं कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, लोग भी आने शुरू हो गए हैं। अभी लगभग 10:30 हुआ है। आज हम लोग जल्दी आ गए हैं यहाँ, क्योंकि हमें आगे भी जाना है, तो इसलिए अभी कम भीड़ है। लेकिन यहाँ बहुत भीड़ रहती है दोस्तों, 1-1:30 बजे के आसपास यहाँ बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। और आपको दिखाते हैं, और अभी बेचारों की मम्मी बैठी हैं और ये खाने की तैयारी चल रही है। आज बिष्ट जी नहीं हैं, उनके बेटे हैं दिनेश, जो हमें अभी बताएंगे इसके बारे में। और अभी मटन, और एक तरफ मटन बन रहा है भट्टू में, आप देख रहे हैं आग जल रही है, और दूसरे जो भगोना पतीला कह सकते हैं उसमें चावल बन रहे हैं। देखने से दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आपको दिखाते हैं आगे। तो साथियों अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं चारों की मम्मी और निक्की। चारों की मम्मी नहीं खाएंगे, इसलिए इंतज़ार हो रहा है निक्की को और हमें भी, कि बढ़िया बढ़िया आज मटन भात, शिकार भात भी बोलते हैं लोग उसे, झोल भात भी बोलते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं बैठे हुए। लेकिन चारों की मम्मी भी इंतज़ार कर रही है, इनके लिए यहाँ कुछ है नहीं है, वेज ये नहीं बनाते हैं, ये सब नॉन वेज के ही आइटम रखते हैं। तो साथियों हम लोग आ चुके हैं यहाँ, हमारे साथ हैं बिष्ट जी के सुपुत्र दिनेश जी, वो बताएंगे यहाँ मटन भात के बारे में। दिनेश जी, कब से आप शुरू कर रखा है, आप लोग कब से यहाँ कर रहे हैं? सर ये पिछले 30 सालों से यहाँ पर कर रहे हैं हम, पिताजी 30 सालों से कर रहे हैं, और लगातार 30 सालों से चला आ रहा है। 30 साल से आप शुरू से मटन बना रहे हैं, पहले कुछ और बनाते थे? पहले सर लगभग 90 के आसपास से रायता वगैरह, आलू, पिस्ता का पराठे, चाय। तो नॉनवेज कब से शुरू किया है आपने बनाना? नॉनवेज से 98 से लगभग, 96 से। पहले चिकन बनाते थे? हाँ, चिकन ऑर्डर पे, किसी ने आप लोग आए, आपने 1 किलो चिकन लिया है, कोई 2 किलो लिया, मतलब फिर बाद में मटन स्टार्ट कर दिया। मटन में सर धीरे धीरे, हाईकोर्ट जब से यहाँ आया तब से मटन की मात्रा बढ़ते रही, लोग पसंद करते हैं, आते जाते खाते हैं। जी सर, अपना अपना टेस्ट है लोगों को, एक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है सर ये। कैसे बनाते हैं आप, कैसे मसाले वसाले क्या करते हैं? मसाले सर हमारे सब सिलबट्टे के रहते हैं, खड़े से करते हैं, खड़े मसाले सिलबट्टे में घोटे जाते हैं, और रेडीमेड मसाला हमारा कुछ भी नहीं रहता है, मसाले होते हैं सिलबट्टे से। जी जी जी। और ये क्या चीज़ है, बर्तन कुछ स्पेशल से लग रहा है मुझे? सर ये बर्तन को बोलते हैं भट्टू, हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में भट्टू बोलते हैं। जी, देखिए लकड़ी का चूल्हा चल रहा है, इसी का स्वाद आएगा साथियों। अभी दिनेश जी बता रहे हैं आगे भट्टू में बन रहा है। जी हाँ, जो इसमें मटन होता है हमारा पहाड़ी, अपने पहाड़ी बकरों को रहता है लोकल। जी हाँ, और नेचुरल चीज़ बनता है एकदम, मिलावट उसमें कुछ भी नहीं होती है। सूप भी हमारा एकदम पानी जैसा पतला रहता है सर, सूप पियेंगे सूप का अलग ही टेस्ट आएगा। और कितने बजे शुरू करते हैं आप सर्विस, मतलब कितने बजे से मिलना शुरू हो जाता है? मिलना सर 11 बजे बाद ही, 11 से 2:30 बजे, 11 बजे से 2:30-3 सर, शाम को कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। सर 3 कितने बजे से करते हैं? तैयारी हो जाती है 7 बजे सर, 7 बजे आ जाते हैं। जी हाँ, 7 बजे आ जाते हैं, 7 बजे से लगातार अब बनाना है, आग जलानी है, बर्तन लाने हैं। वो क्या रेट आपने रखा है, क्या वो भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को? सर 200 रुपये पर प्लेट है, हाफ प्लेट मटन और चावल। इसके साथ चावल चावल है सर। और इसकी लोकेशन भी बता दीजिए, हल्द्वानी से आते हुए किधर? सर हल्द्वानी से आप चलेंगे तो हल्द्वानी से नैनागांव जगह पड़ती है, तो 28 किलोमीटर लगभग हल्द्वानी से ही है। और नैनीताल से? नैनीताल से रिटर्न आप हल्द्वानी को जा रहे हैं तो 11 किलोमीटर नीचे रोड पर, राइट साइड में पड़ेगा। नहीं नहीं, राइट साइड, हल्द्वानी से आ रहे हैं लेफ्ट साइड।
तो साथियों ये है हमारे साथ बिसी, इन्होंने बताया जैसे मटन के बारे में। अभी मटन बन रहा है, आपको दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा और टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। और ये देखिए क्या ये चूल्हे में बिल्कुल मज़ा आ रहा है इस समय। और ये देखिए हमें दिखाएंगे निकाल के मटन किस। अमेजिंग इसका लग रहा है देखने में। और ये बहुत ही, अभी कितना टाइम और लगेगा ऐसे पकने में? सर अभी 15-20 मिनट हो लेंगे। अच्छा, टोटल कितना टाइम लग जाता है? एक हाफ लगा सकते हैं, 1.5 घंटा 1.5 घंटे के आसपास सर। इसमें पकता रहता है। और ये देखिए इधर किस बारे में बताइए, इसमें हमने क्या रखा है? सर ये गर्म पानी लगता है इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है। अच्छा, करके जी हाँ, इसमें गर्म। देखिए साथियों इसमें चावल है, बहुत बढ़िया चावल, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी आप लोगों को टेस्ट करके बताते हैं, वैरायटी टेस्ट कराएंगे। और साथियों ये अभी हमने दिनेश ने निकाला है टेस्ट करने के लिए। अभी टेस्ट करके बताते हैं आप लोगों को कैसा है। अभी 15-20 मिनट लगेगा जैसे बता रहे हैं। साथियों ये आ चुका है हमारे पास मटन टेस्ट करने के लिए, उन्होंने दिया है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट, अभी जैसे कि मैंने बताया था, अभी 10-15 मिनट और लगेगा। ये खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट कर सकते हैं। मसाले इसी मसाले लोकल इन लोगों को अपना टेस्ट हैं जैसा मैंने बताया, और सबकी खुशबू आ रही है, धनिया जीरा काली मिर्च बहुत बढ़िया। साथियों देखिए अब तैयारी हो गई, खाना ऑलमोस्ट ये बन चुका है। दिनेश जी हमारे लिए बहुत बढ़िया। बहुत ही प्यार से खिलाते हैं बेसी भी और कितने तो हमारे लिए हैं, एक दूसरे कस्टमर हैं उनके लिए हैं। बहुत ही सुंदर साथ हैं आपके, मुँह में पानी आ रहा है मेरे, सही होता है और लग रहा है बस कितने जल्दी खा लिया जाए। पिछले 35 सालों से लगभग ये लोग बना रहे हैं, तो निश्चित फर्क तो स्वाद में है इनके मसाले। स्वाद है ऐसा नेचुरल चीज़ है एकदम, जो भी चीज़ है मैंने बताया, पानी लोकल है इनका, पानी अपना लोकल है। और ये हमारा कुछ आज तक बोर्ड भी नहीं है सर, बोर्ड भी हमारा जो है कि लोगों के सहयोग से ही चल रहा है। कि अगर साथियों जैसे इन्होंने बताया कोई बोर्ड नहीं लगा है, अगर आपको चीज़ पसंद आएंगी सर आप 4 लोगों से और गए, प्रचार की जरूरत ही नहीं है, जी हाँ खुद ही हमारे हैं। तो ये मैंने ग्रेवी डाली है इसमें, बहुत बढ़िया सुंदर। और सबसे बड़ी बात साथियों बड़े प्यार से खिलाते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा तो सर होटल से हिसाब से नहीं हुआ सर, यहाँ होटल के हिसाब से खिलाना कोई चीज़ नहीं है। दिनेश बता रहे हैं कि होटल में जैसा नहीं, बिल्कुल घर जैसा है। साथियों प्लेट भी देखिए सर, हाफ प्लेट में लगभग लगभग इतनी क्वान्टिटी बहुत ही सुंदर लग रहा है। दो पीछे तो साथियों हमारा ऑर्डर आ चुका है, एक हमारे एक कस्टमर हो रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका कैसा लगा उन्हें टेस्ट और कब से यहाँ खा रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या? बहादुर सिंह चिलवाल। अच्छा, यहीं के रहने वाले? जिला यही हुआ लेकिन। अच्छा अच्छा, हमेशा खाते हैं यहाँ? कितने सालों से खा रहे हैं? 10 साल से हुई। 10 साल से है, बहुत बढ़िया। हेलो, इंतजार आना जाना हुआ तो इन जैसा कोई और मटन नहीं इस एरिया में पड़ी है, लगभग कहीं नहीं बनता। कहीं नहीं बनता। देखिए उन्होंने बताया कितनी बढ़िया लगा है, थोड़ा टेस्ट करके एक बार। और देखिए उन्होंने खा रहे हैं और बहुत ही, उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल से लगातार खा रहे हैं। कैसा लगा जी आज का टेस्ट? बहुत बढ़िया, बढ़िया, हमेशा एक जैसा, हमेशा। थैंक यू जी। और साथियों हमारा लिए आ चुका है, 2 प्लेट हमने बोला है, पहले अपने लिए और निक्की के लिए। और आपको दिखाते हैं कि बहुत ही बढ़िया एकदम, आप देख सकते हैं मुंह में पानी आ रहा है। और अब खाने की शुरुआत की जाए और आपको बताया जाए कि खाने का स्वाद कैसा है। कैमरा संभालेंगे चारों के मम्मी,
खाओ। बहुत ही बढ़िया स्वाद साथियों, अभी मैंने चावल टेस्ट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब आपको मटन का टेस्ट करके बताते हैं। खाओ निक्की तुम भी। बहुत ही अच्छा टेस्ट, आप कैसे बताओ कि अल्टीमेट है। मसाले इनके, खुशबू इनकी, इनका जो पानी, ये लोग यहाँ लोकल जो अपना गधेरे का पानी लेते हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि शायद हम कहीं इवन घर जैसा, तो घर जैसा ही कहेंगे, घर जैसे घर में केवल इस दृष्टि से कि साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है, और मैं दोबारा एक पीस और आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है साथियों, जैसा सुना था उससे अच्छा पाया। और खाने की हम शुरुआत करते हैं, और उम्मीद है आप लोग भी यहाँ आइए। जब आप आते हैं, नैनीताल आते हैं, हल्द्वानी से आते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में पड़ता है और अल्टीमेट टेस्ट है। तो दोस्तों, ये कुछ लोग तो खा के चले गए यहाँ से खाना, हम आने आते रहे। और कमेंट्स में भी हमसे पूछा गया था कि आप नॉनवेज कब बना रहे हो या कब खिला रहे हो, तो आज तो हमने इनका साथियों, वही जैसे चारू की मम्मी ने बताया कि कई लोगों ने हमसे, काफ़ी लोगों ने कहा था कुछ नॉनवेज पे वीडियो बनाइए, कुछ नॉनवेज पे दिखाइए, तो इसलिए आज हम लोग आए हैं। वेज का हमने आपको दिखाया था पहले, चेतनपुरी वालों के यहाँ गए थे, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चलिए साथियों, हम शुरुआत प्रॉपर खाने की। निक्की हमारी खुश हो रही है, निक्की जो है, और निक्की बताओ से भी तो पूछते हो, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी खाओ भाई, देर हो रही है। तो साथियों, खाने के बाद यहाँ गुड़ के लिए भी आप आनंद ले सकते हैं, गुड़ का एक ट्रेडिशनल वो है। खाने के बाद दिनेश बताएंगे गुड़ी क्यों रखा है। खाने के बाद चलिए, और हम लोग भी टेस्ट कर रहे हैं, निक्की ने ले लिया है, और साथियों हम लोग भी अब टेस्ट करते हैं। गुड़ का बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत बढ़िया। खाने के बाद गुड़ मिल जाए तो बात ही क्या। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो नैना गांव का। बिस्टी जी के यहाँ जो मटन भात, जिसे शिकार भात भी बोलते हैं, वो हमने टेस्ट किया, बहुत ही बढ़िया था एकदम। मसालों की खुशबू, और आपके इनके लोकल मसाले, उसको ये सिलबट्टे से पीस के ये लोग बनाते हैं, और लकड़ी के उस पर जो भट्टू में जो बर्तन, उसे भट्टू बोला जाता है, चूल्हे पर बनता है। अब चारू की मम्मी कुछ कहेंगे। हाँ, तो दोस्तों आप आइए यहाँ पे, और मटन भात, झोल भात, मीट भात और शिकार भात का आनंद उठाइए, जो कि बिल्कुल घर जैसा लगता है। खा के तो ये बताएंगे दीपी सिंह। हाँ, ये तो आज नहीं खा रही हैं चारू की मम्मी, तो नहीं खा रही हैं। चलिए साथियों, चैनल को लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारी तरह घूमते रहें।